हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं नेहा। देखिए गाइस, आज हम जो है कि प्लांट्स को जो है खाद देने का टाइम है, तो वो हमें खाद कैसे देनी है और कितनी देनी है, हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करना है। तो देखिए गाइस, मैं बताती हूं। देखिए, मैं थूजा के प्लांट पे बता रही हूं गाइस, मोर पंखी का प्लांट जिसको बोलते हैं, मोर पंख प्लांट बोलते हैं। तो देखिए कि जैसे मैं बता रही हूँ गाइस, वैसे ही बारिश करके काफ़ी लेट हो चुके हैं, काफ़ी लेट तो नहीं पर हो गया है लेट बारिश करके। बिल्कुल भी सारे प्लांट जो थे बहुत ही मिट्टी जो उनकी गीली थी, और अभी भी जिस प्लांट में मैं आपको बता रही हूँ इसकी सॉइल जो है अभी भी गीली है, मतलब ठीक है, मॉइस्चर है उसके अंदर। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। हम अपने प्लांट्स को कैसे फर्टिलाइज करेंगे गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे गाइस तो आप लाइक भी ज़रूर करना। ये देखिए गाइस, पहले क्या है, हमने अपने जो पॉट है उसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है। उसके सॉइल पे जो भी है, हमारे घास है, पत्तियाँ हैं, जो भी लग रही है वीड्स वगैरह, आपने सारी क्लीन कर लेनी है। आपने सारा हटा लेना है, अच्छा बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देना है, क्यों नहीं तो ये जो पत्तियां हैं ये सड़ेंगी और फंगस बनाएंगी। क्योंकि अब जो आगे टाइम आ रहा है गाइस वो विंटर का आ रहा है, तो जो समर में है ये पत्तियां फिर भी चल जाती हैं, धूप से सूख जाती हैं, विंटर में क्या है इनमें मॉइस्चर बनने से फंगस लग जाती है गाइस। तो अपने पॉट को वैसे भी आप क्लीन रखिए इसकी जो, देखिए अब आपने ऐसे हल्के हल्के इसको गुड़ाई कर देनी है। देखिए ये देखिए, बिल्कुल जड़ के पास से गाइस आपने नहीं करना। देखिए जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, इतना एरिया आपने छोड़ देना है, बिल्कुल उसके रूट के पास आपने बिल्कुल नहीं करना, स्टेम के पास से बिल्कुल बिल्कुल आपने किनारे किनारे पॉट के रिम के साथ साथ आपने इसकी सॉइल जो है यहाँ से आपने इसको अच्छे से निकाल देना है। देखिए बारिश करके इसमें जो सॉइल है इसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ी गीली है, मॉइस्चर है इसके अंदर गाइस। अब दो दिन हुए हैं कि बारिश रुक गई है, लेकिन अभी भी क्या है जो प्लांट्स की जो मिट्टी है वो अच्छे से नहीं सूखी है, क्योंकि बारिश काफ़ी दिन चली है तो उस वजह से, और उसके बाद धूप भी अच्छे से नहीं निकल रही है, बदल वाला मौसम है। ये देखिए गाइस, आपने इतनी जो है सॉइल इसकी ऐसे निकाल लेनी है साइड साइड से, बिल्कुल आपने पॉट के गाइस किनारे किनारे करना है, बिल्कुल अपने पौधे के बिल्कुल पास में नहीं करना। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पास से निकालोगे तो जो प्लांट्स है वो ख़राब होने का बिल्कुल चांस है उसके, तो आपने बिल्कुल साइड से इसकी मिट्टी जो है निकालनी है। और गाइस जो मेरा ये प्लांट है थूजा का, ये मेरे पास 4 साल पुराना प्लांट है, 4 से 5 साल मेरे पास 2 प्लांट हैं थूजा के। ये देखिए, देखिए इसकी रूट्स भी दिख रही है, और काफ़ी टाइम से ये मेरा इसी पॉट में है गाइस। और जो ये टाइम चल रहा है बेस्ट चल रहा है, अपने सभी प्लांट्स को आप गाइस इस टाइम पे जो खाद है दे दीजिए, जितने भी आपके पास प्लांट है सबको आप ऐसे करके उनकी सॉइल निकाल के और सब में खाद दे दीजिए, क्योंकि जो डोरमेंसी में जाएंगे उनको भी खाने की ज़रूरत है कि उन्हें खाना मिलता रहेगा। क्योंकि फिर अब हम जो डोरमेंसी में चले जाएंगे उनको अब हम फैब तक कोई फर्टिलाइज नहीं देंगे, कोई भी इसमें खाद नहीं डालेंगे। अब जो हम खाद इसमें दे देंगे ये वही उसी से अपना जो खाना वगैरह बनाएंगे गाइस। ये देखिए आप सॉइल इतनी आपने निकाल लेनी है, आपने बहुत ज़्यादा सॉइल जो है बहुत ज़्यादा खड्डा भी नहीं कर देना है गाइस, सिर्फ 1 से 1.5 इंच जो आपने मिट्टी निकाल देनी है साइड साइड से। ये देखिए मैंने बिल्कुल निकाल लिया इसमें से, आपने भी ऐसा ही करना है। और अगर आप इसके सॉइल नहीं भी निकालना चाहते, अगर गाइस आपके पास बहुत ज़्यादा प्लांट है और आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप मैं आगे
एक और बताऊंगी आपको सेकंड ऑप्शन, कि आप उस तरीके से भी आप अपने प्लांट्स को जो है खाद दे सकते हो। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल मैंने साइड साइड से निकाल ली है, बिल्कुल आपने भी बिल्कुल ऐसे ही निकाल ली है गाइस। बारिश के चलते गाइस थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो गया है, जैसे खाद देने का टाइम था थोड़ी और पहले दे देने चाहिए, अब जो आ गया हमारा सीड का टाइम आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सीड पे बताऊंगी कि ये सीड कैसे लगाएं। ये देखिए मैंने खाद रख रखी है गाइस, कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। देखिए गाइस वर्मी कंपोस्ट है, आप वर्मी कंपोस्ट की जगह काव डंग भी ले सकते हो, लेकिन जो आप गाय के गोबर की खाद लोगे गाइस, उसका क्या है कि वो अच्छे से अच्छी खाद होनी चाहिए, साल पुरानी हो तो सही रहेगा, या आप लीव कंपोस्ट ले सकते हो। देखिए मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है, दो मुट्ठी ली है मैंने, और देखिए डीएपी के दाने हैं। डीएपी आप अपने पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर 5 इंच का पॉट है तो 5 दाने, 6 का है तो 6। देखिए बॉन मिलती और ये नीम खली है गाइज, ये देखिए नीम खली, और गाइज ये सीवीड, 2 जो स्पून है सीवीड है, नीम खली भी 2 टेबल स्पून है, और जो बॉन मिल लिया है मैंने वो भी 2 टेबल स्पून है। और डीएपी आप अपने पॉट के अकॉर्डिंग डालोगे, अगर 12 इंच का पॉट है तो आप जो 12 उसके दाने हैं वो आप डाल सकते हो डीएपी के। ये देखिए डीएपी क्या है गाइज, जो हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनको अच्छे से सही रखता है रूट्स को। अब आपने ये सारे को मिक्स कर लेना है, मिक्स करके आप इसमें डाल सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेयर बाय लेयर डाल दो, वर्मी कंपोस्ट डाल दी उसी के ऊपर से सीवीड डाल दी, अगर आपने ऐसा मिक्स नहीं करना है, बाकी मिक्स करके ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप ऐसे इसको मिक्स करके भी दे सकते हो। अगर आपके पास गाइस नीम खली नहीं है तो आप उसमें फंजीसाइड डाल सकते हो, फंजीसाइड मिक्स कर सकते हो, 1 टेबल स्पून आप फंजीसाइड ले सकते हो। ये देखिए, और जो हम ये गाइस खाद भी देंगे, देखिए बिल्कुल इसके साथ यहाँ नहीं लगनी चाहिए, जहाँ से हमने सिर्फ उसकी गुड़ाई करी है, मिट्टी निकाली है, बिल्कुल पॉट के बिल्कुल हमने किनारे किनारे ही डालना है, जो हम भी खाद दे रहे हैं इसके पास में नहीं होने चाहिए, नहीं तो उससे क्या है कि जो हमारी ये जो हमारा प्लांट है इसकी जो ये जो स्टेम है वो सड़ जाएगी गाइस, वो ख़राब हो जाएगा प्लांट, वो मर जाएगा, इसलिए बिल्कुल किनारे किनारे ही डालना है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है जो बिगनर्स हैं। जो सीड लगाने की वीडियो गाइस वो मैं जल्दी ही करूँगी उसी वीडियो को, तो सीड लगाने का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आप विंटर के जो सीड हैं वो आप ले आओ, जो जो उनसे आपने लगाने हैं प्लांट्स। देखिए मैं किनारे किनारे जो है इसको खाद बिल्कुल डाल रही हूँ, और गाइस अगर आप विंटर के सीड नहीं लाना चाहते, अगर आप सीड से भी नहीं लगाना चाहते हो, तो इस टाइम जो है नर्सरी पे पौध मिल रही है, आप वो भी ला सकते हो। देखिए गाइस खाद देने के बाद मैंने क्या करा है, उसके ऊपर जो मैंने मिट्टी इसमें से निकाली थी पॉट में से, वो देखिए मैंने उसके ऊपर दोबारा डाल दिया। बस आप ये ध्यान रखना जो हमने इसमें से गंध निकाला था, ये पत्ते वगैरह ये ना आए, देखिए मेरे उसमें आ गए थे, मैंने हटा दिए, बस आपने मिट्टी को ही डालना है इसके ऊपर ऐसे करके। इससे गाइस क्या है कि जो हम इसको ढक इसलिए रहे हैं कि जो इसके न्यूट्रिशन है सारे हमारे प्लांट्स को अच्छे से मिल सके, डालने को मिट्टी के ऊपर से भी डाल सकते हो, पर उससे क्या होता है गाइज कि धूप लग के जो हमारे प्लांट्स के न्यूट्रिशन है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे गुड़ाई करते हैं ऐसे करके आप साइड साइड पर डाल दो और उसके अंदर ऐसे मिक्स करते रहो, मिट्टी के अंदर ही आप ऐसे मिक्स करके भी डाल सकते हो गाइज, कि आपने थोड़ी सी साइड से ऐसे, मैं मिट्टी आपको स्टार्टिंग में दिखा रही थी कि ऐसे ऐसे खोदनी है किनारे किनारे, और आप बस उसको निकालो मत और उसी के साइड साइड पे ऐसे खाद डाल के और मिट्टी को ऐसे मिक्स कर दो उसमें, आप ऐसा भी कर सकते हो, और ये भी बेस्ट है, आप ऐसा भी कर सकते हो गाइस। एक और मैं आपको बताऊँगी कि आप और किस तरह से कर सकते हो। देखिए ये जैसे मेरा पॉट है, अभी इसके सीडलिंग है, मैं इसको छेड़ना नहीं चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, देखिए साइड पर इसको ऐसे थोड़ा सा
मिट्टी को ऐसे साइड करके और यहाँ पे डाल दूंगी, क्योंकि ये मेरा अभी प्लांट्स है, ये इसको अगर मैंने साइड से निकाला तो अगर इसकी रीट थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो गाइस ये मेरा प्लांट जो है ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए मैंने होल करा, इसको भी किनारे पे ही होल करना है, बिल्कुल प्लांट्स के जड़ के पास नहीं करना है, बिल्कुल साइड पे ही करना है, पॉट के बिल्कुल साथ लगा के आपने थोड़ा सा मिट्टी हटा के उसमें डालनी है जो भी है खाद। इसमें भी मैंने ऐसे ही करा है, इसे मैंने सीवीड थोड़ा सा, कुछ दाने सीवीड के, वर्मी कंपोस्ट और बोन मिल बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्वांटिटी में डाली है, क्योंकि मेरा 6 इंची का पॉट है, इसमें मैंने 1/4 1/4 के हिसाब से समझ लो डाले हैं, और 4 स्पून जो थे मेरे वर्मी कंपोस्ट के थे, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा, गाइस इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हमने फर्टिलाइज़र की जो हमने क्वांटिटी लेनी है वो भी बहुत ही हिसाब से लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कुछ भी, क्योंकि कुछ भी देखो वर्मी कंपोस्ट नहीं नुकसान करेगी प्लांट्स को, लेकिन जो ये नीम खली और ये प्लांट्स होते हैं DAP, ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में डल जाएँ तो हमारे प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं। देखिए वैसे तो जो सॉइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, मॉइस्चर था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने खाद देने के बाद पानी ज़रूर डालना है, तो मैं बहुत ही हल्का हल्का सा डाल रही हूँ इसमें पानी, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी और गुलदाउदी में नहीं डालूंगी क्योंकि उसके सॉइल काफ़ी ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। तो अगर मिट्टी में मॉइस्चर है गाइज तो आप पानी नहीं डालना, और अगर सूखी है तो पानी ज़रूर देना आपने। तो ये देखिए हमने खाद दे दिया गाइज, आप भी इस टाइम पर काम कर लीजिए, अपनी सभी प्लांट्स को देना है आपने खाद, और आप इस टाइप से दे सकते हो, बस बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं रखनी, जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग देना गाइज। गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइज़, प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ ज़रूर अपना प्यार देना। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।